हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी क्या होती है, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ऑल द एलिमेंट इन द ग्रुप फ्रॉम डाई वैलेंट आयन, यानी जो एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं उसके जो भी मेटल्स होते हैं वो डाई वैलेंट होते हैं, यानी कि इनकी वैलेंसी क्या होती है, प्लस टू। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, तो ये सब क्या होते हैं, डाई वैलेंट होते हैं। एंड दीज आर स्मॉलर देन दी करेस्पॉन्डिंग ग्रुप फर्स्ट। अगर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की अगर इनकी कंपेयर करेंगे तो इनकी साइज क्या होगी, स्मॉलर होगी। हियंस ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स बेटर एट फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस देन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड में अगर आपको कंपेयर करना होगा तो ग्रुप सेकेंड मेटल्स आर बेटर फॉर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स की साइज स्मॉल होने की वजह से इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। बेरिलियम इज अप्रोसिबली स्मॉलर देन दी अदर्स एंड सो बेरिलियम फॉर्म मेनी कॉम्प्लेक्सेज। जो बेरिलियम है इसकी साइज क्या है, बहुत स्मॉलर है अदर एलिमेंट्स की अपेक्षा, यानी बेरियम की तरह कैल्शियम स्ट्रोंशियम इन सब की अपेक्षा क्या है, इसकी साइज बहुत स्मॉल है, तो इसीलिए बेरिलियम के कॉम्प्लेक्सेज बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं। मैग्नीशियम फार्म्स ए फ्यू हैलाइड्स कॉम्प्लेक्सेज। मैग्नीशियम जो है वो हैलाइड कॉम्प्लेक्सेज का फॉर्मेशन करता है, सच एज यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं आप मैग्नीशियम का, Ne2 MgCl2। बट कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज। लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं ग्रुप के जिनकी साइज क्या है, बड़ी है, वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे EDTA। EDTA के ये क्या है, एथालीन डाइअमीन व्हिच हैज़ 4 डोनर ऑक्सीजन एटम्स एंड 2 डोनर नाइट्रोजन एटम्स इन ईच मेलिक्यूल्स। तो यहाँ से ये लाइन जो हम आपसे बोल रहे हैं, ये लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार एक क्वेश्चन आपका CSIR नेट एग्जाम में आया था केमिस्ट्री के, उसमें यही पूछा गया था कि जो EDTA है यानी एथालीन डाई टेट्राएमीन, उसमें कितने ऑक्सीजन डोनर एटम्स हैं और कितने नाइट्रोजन डोनर एटम्स हैं। तो इसके पास 4 डोनर ऑक्सीजन एटम्स हैं एंड 2 डोनर नाइट्रोजन एटम्स हैं। नेक्स्ट है EDTA विल फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेज विथ मोस्ट मेटल आयन इन सोल्यूशन दैट द pH इज सुटेबली एडजस्टेड। सिंस बेरिलियम इज इनवैलिड वेरिएबली 4 कोऑर्डिनेट, इट डज नॉट कॉम्प्लेक्सेज अप्रिसिबली विथ EDTA। इन कॉन्स्टेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्सेज विथ EDTA एंड टाइट्रेशन आर प्रीफर्ड यूजिंग EDTA इज बफर्ड सोल्यूशन टू इस्टीमेट दी अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 2+ परजेंट टू डिटरमाइन दी हार्डनेस ऑफ वाटर। जो आप वाटर के हार्डनेस को डिटरमाइन जब करते हैं तो उसमें EDTA का यूज करते हैं बफर सोल्यूशन के रूप में, यानी एथालीन डाई टेट्रामीन्स का। तो उससे आप क्या पता लगाते हैं कि जो भी अमाउंट्स है वाटर्स है उसमें कितना परसेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो जो भी मैग्नीशियम है वो EDTA के साथ कुछ इस टाइप से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, यानी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर्स देखेंगे। जो मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ पे आप कैल्शियम मैग्नीशियम से देखेंगे इसका स्ट्रक्चर्स कुछ इस टाइप से होता है, इसको हम दिखा रहे हैं शॉर्ट करके, तो आप यहाँ से इसका स्ट्रक्चर्स नोट कर सकते हैं। तो जनरली जो कभी कभी EDTA का यूजेज भी पूछा जाता है, तो EDTA की यूजेज में आप देखेंगे कि वाटर के हार्डनेस को दूर करने के लिए भी इसका यूज होता है, यानी हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटरमाइन करने के लिए EDTA। EDTA का फुल फॉर्म क्या होगा, एथालीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। उसके बाद इसमें कितने ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है। नाइट्रोजन कितने डोनर एटम्स हैं, तो 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स हैं इन द केस ऑफ EDTA। अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।